हाल ही में टाइगर श्रॉफ और जैकलीन फर्नांडिस की अपकमिंग फिल्म द फ्लाइंग जट का गाना बीट पे बूटी मुंबई में लॉन्च किया गया। ये गाना जैकलीन पर ही फिल्माया गया है, लेकिन इस लॉन्च में खुद जैकलीन मौजूद नहीं थी और यही वजह बनी एकता कपूर के खफा होने की। इस इवेंट में टाइगर श्रॉफ और डायरेक्टर रेमो डिसूजा ही मौजूद थे। इवेंट के दौरान डायरेक्टर रेमो डिसूजा ने जैकलीन का इवेंट में न शामिल होने का कारण उनकी खराब सेहत बताया, लेकिन उनकी इस गैर मौजूदगी से फिल्म की प्रोड्यूसर एकता कपूर काफी नाराज हैं। इवेंट खत्म होने के बाद रेमो ने जैकलीन के इस इवेंट में शामिल न होने कुछ और ही वजह बताई। उन्होंने कहा, जैकलीन दो अन्य शहरों में हुए सॉन्ग लॉन्च में प्रेजेंट रही हैं, लेकिन मुंबई में हुए लॉन्च में वेन्यू तक पहुंचने में उन्हें देरी हो गई। वो चार्टर्ड फ्लाइट से आ रही थी, लेकिन खराब मौसम के कारण वे समय पर नहीं पहुंच सकी। हम नहीं चाहते थे कि हमारे कारण पूरी मीडिया को इंतजार करना पड़े, इसके लिए उनकी मौजूदगी के बगैर ही सॉन्ग लॉन्च किया गया। सूत्रों के अनुसार जैकलीन के इस रवैये से एकता बेहद नाराज है। वे इस फिल्म की लीडिंग लेडी हैं। उनका इवेंट में होना बेहद जरूरी था। वैसे जैकलीन इवेंट्स में इस तरह की लेट लतीफी पहले भी कर चुकी हैं।